नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है चैनल टिप्स एंड सॉल्यूशन में। और दोस्तों, आज एक प्रॉब्लम लेके आए हैं सीपीयू का, तो इसमें जो है ना डॉट डॉट का एरर आ रहा है। तो चलिए यार, हम प्रैक्टिकली रूप से हम देख लेते हैं और इसको कैसे ठीक करेंगे, इसके कारण क्या हो सकते हैं, इस सब के बारे में आप लोग बताने वाला हूं। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, हो सकता है यार कुछ नए चीज़ सीखने के लिए मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम इसको चालू कर लेते हैं और प्रॉब्लम क्रिएट क्या करें उसको पहले हम देख लेते हैं। तो इसको मैं पावर दे दिया हूँ और चालू कर लिया और डेस्कटॉप सामने में है। तो ये जो है ना, आपके कंप्यूटर हो चाहे लैपटॉप हो, ये दोनों में लागू होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप दोनों में इसको सूट आउट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें ना ये वाली प्रॉब्लम है ब्लिंकिंग का, ठीक है। अगर आपको दिख रहा होगा तो ये वाली प्रॉब्लम है इसमें, तो इसको हम ठीक कैसे करेंगे। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, उसको पहले आप लोग बता देता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या क्या कर सकता है। तो यहाँ पर ना, अगर आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क एक्स्ट्रा लगा हुआ है और वो सिलेक्ट नहीं है, या तो फिर आपके कंप्यूटर में कोई बूटे वो क्या बोलते हैं पेन ड्राइव लगा है, या तो कोई भी स्टोरेज वाली डिवाइस अगर लगा है आपके कंप्यूटर में, तो उस कंडीशन में जो आपके कंप्यूटर यही वाला प्रॉब्लम शो करेगा। और तीसरा कारण है दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में बूटेबल अगर पेन ड्राइव डला हुआ है, तो उस कंडीशन में भी ये ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है, ठीक है ना। और कारण आगे बता देता हूँ, अगर आपके कंप्यूटर के जो केबल लगे, मतलब हार्ड डिस्क में जो केबल लगे हुए, वो अगर लूज हो या तो फिर अच्छे से करंट नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। और लास्ट प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि अगर आपके हार्ड डिस्क खराब हो रहा है, अगर आपके हार्ड डिस्क खराब हो रहा है या तो खराब हो गया है, तब भी उस कंडीशन में ये वाली एरर आ जाता है। तो चलिए हम इसको ठीक करके देखते हैं, अगर हो गया तो ठीक, अगर नहीं होगा तो यार नया हार्ड डिस्क इसमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देख लेते हैं इसकी इसका सूट आउट कैसे करेंगे प्रैक्टिकली रूप से। और उसके बाद अगर ये ठीक नहीं होगा, तो उस कंडीशन में जो है इसका हार्ड डिस्क चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए चलते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्रोल अल्ट डिलीट करके हम आ जाएंगे बायोस में, ठीक है, बायोस में आ जाएंगे। तो चलिए, ये बायोस में आ गया, ठीक है। उसके बाद यहां पर हमें देखना है कि हार्ड डिस्क शो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं हार्ड डिस्क शो कर रहा है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, बूट में जाना है। बूट में जाने के बाद बूट प्रॉपर्टी में जाना है और यहाँ पर अपने को जो फर्स्ट बूट डिवाइस है वो हमें हार्ड डिस्क रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क है पहला बूट डिवाइस, यहाँ तक सही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि यहाँ पर ना रिमूवल डिस्क हो जाता है या तो फिर कुछ और हो जाता है, तो उस कंडीशन में अगर आपके हार्ड डिस्क सही है तब भी प्रॉब्लम करने लग जाता है। तो यार इस यहाँ पर ना हमें फर्स्ट बूट डिवाइस हार्ड डिस्क ही रखना है, ठीक है। उसके बाद F10 से प्रेस करेंगे, ओके करेंगे। ओके करने के बाद देख लेते हैं, आ जाते हैं तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट वाली जो स्टेप है उसको फॉलो करेंगे। तो देख लेते हैं थोड़ा सा, और यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पर भी हार्ड डिस्क शो कर रहा है, ठीक है। तो चलिए फोन दबा लेते हैं। तो यहाँ पर सेम प्रॉब्लम है दोस्तों, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो कंप्यूटर में कुछ भी अटैच होगा ना, उसको हम निकालेंगे, जैसे कि ये हो गया, तो इसको हम निकाल लेते हैं और फिर से चालू करके देखते हैं। और उसके बाद तो कोई पेन ड्राइव या तो और कोई अदर डिवाइस नहीं लगा है, तो इसमें देख लेते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, USB की वजह से ही कई प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो इंतज़ार कर लेते हैं कहीं आ जाए तो। देखिए, तब भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है यहाँ पर, सॉरी नहीं दिख रहा होगा, ये देखिए, ये वही प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब जो है ना, हम अपने जो कंप्यूटर है सीपीयू है उसको हम बाहर निकालेंगे और जो भी साफ करने की प्रक्रिया है उसको हम साफ करेंगे। आ गया तो ठीक, अदरवाइज न्यू हार्ड डिस्क, ओके। चलो हम इसको बंद कर लेते हैं, पावर को बिल्कुल बंद कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, ये सब निकाल लेंगे हम, ये केबल वेबल ये सब हमें निकाल लेना दोस्तों। अब इसको जो है ऊपर में रख लेते हैं इस तरह से, और आप लोगों को दिखा दूं।
अब जो यहाँ पर देखिए आप, ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है, ठीक है, ये हार्ड डिस्क लगा हुआ है, तो इसके जो केबल है ना उसको हम निकालेंगे इस तरह से, और इसको जो है हम चेंज करेंगे, या तो फिर ठीक है चेंज कर लेते हैं, ये एक और एक्स्ट्रा लगा हुआ है, ये हार्ड वो सी डी रोम का रहता है, तो यार इसको हम लगा लेंगे, ठीक है। हो सकता है केबल कहीं ख़राब हो, उसके वजह से भी नहीं आता है, केबल अगर ख़राब हो जाता है तो, ठीक है, तो यार इसको हम लगा लेंगे हार्ड डिस्क में, और इसका जो पावर है ना पावर केबल उसको भी हम चेंज कर देंगे। तो इस तरह से आपको फूंक मार लेना है, उसके बाद फिर लगा के देखते हैं आता है कि नहीं आता। अब इसमें जो है VGA केबल लगा देंगे और पावर केबल लगाएंगे, उसके बाद फिर चेक करके देखते हैं कि आता है कि नहीं। ये दोनों लग गया, अब चालू करके देख लेते हैं, और कीबोर्ड लगाना पड़ेगा भाई साहब, कीबोर्ड लगा लेते हैं। क्या कीबोर्ड नहीं लगाएंगे ना तो फिर उल्टा सीधा कीबोर्ड नॉट फाउंड ये सब एरर शो करेगा, उससे अच्छा कि हम कीबोर्ड लगा लेते हैं, ठीक है। तो कीबोर्ड लग गया, चलिए चालू करके देखते हैं, अब देखते हैं आता कि नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चालू हो गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप जो है अपने कंप्यूटर का जो प्रॉब्लम है उसको आप सूट आउट कर सकते हैं दोस्तों। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो कंप्यूटर है वो सही शॉर्ट में चालू हो गया है। तो इस तरह से आप अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद कर सकते हैं। आप जो है कहीं भी मार्केट वगैरह घूमने की ज़रूरत नहीं है। इतना करने के बाद दोस्तों आप लोग बता दूं, इतना करने के बाद भी अगर आपका जो कंप्यूटर चालू नहीं हो रहा है ना, तो उस कंडीशन में याद रखना यार आपका जो हार्ड डिस्क जो है वो डेड हो गया है, और उस हार्ड डिस्क को आपको चेंज करना ही पड़ेगा। तो ये वीडियो कैसे लगे यार कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह से आपको वीडियो मिलता रहे। तो यार आज की वीडियो को बस यही खत्म करते हैं, मिलते किसी और नए वीडियो में किसी और नए टॉपिक में। तब तक जय हिंद, जय भारत।